नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। चितरंगी जनपद पंचायत चितरंगी में जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में प्रमुख रूप से क्षेत्र में बिना जगत के कुआं और खुला बोरवेल को बंद करने पर विशेष चर्चा हुई, ताकि कोई भी अप्रिय घटना पर नियंत्रण पाया जा सके। इससे बारिश होने से पानी दूषित होने पर क्षेत्र में डायरिया की शिकायत बढ़ गई है। ग्राम पंचायत द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत में गरीबों के उत्थान के लिए मनरेगा योजना 15 वित्त से कार्यों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर प्रभारी सीईओ ऋषि नारायण सिंह और जिला पंचायत की टीम मौजूद रही। जनपद चितरंगी में आज समन्वय बैठक थी, जिसमें हमारे प्रभारी सीईओ साहब और तहसीलदार साहब ऋषि जी थे, हमारी जिला पंचायत की टीम थी और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जिनसे लगातार पंचायत के कार्य और उनका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, 15वें वित्त मनरेगा के कार्य और वर्तमान में जो हमारे समसामयिक चुनौतियां रहती हैं, वो स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ विषय रहते हैं, तो उनको लेके हमारे सचिव सहायक सचिवों की क्या जवाबदारी है और उनके परफॉर्मेंसेस कैसे हैं, ये सारी बातें आज समीक्षा में की गई हैं और उस आशय की हिदायत दी गई है। एक विशेष बात और है कि क्षेत्र में हमारे बिना जगत के कुएँ और विगत दिनों एक जो दुखद घटना हुई थी, जिसमें कि कसर में गड्ढे में गिर जाने से एक बिटिया की हमारे असामयिक मृत्यु भी हुई थी, तो चिंता यही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी परिवेश में, शासकीय हो चाहे निजी हो, ऐसे खुले हुए असुरक्षित बोर ना हो, खुले हुए बिना जगत के कुएं ना हो, जिसके कारण घटना दुर्घटना हो और बाद में फिर अनावश्यक जवाब सवाल की स्थिति बने और किसी को जान गंवानी पड़े, ये मुख्य चिंताएँ रहती हैं। और पंचायती राज में तमाम बहुत सारे विषय लगातार बने रहते हैं, उनकी समीक्षा आज की गई। चितरंगी से खबर समय जगत के लिए रजनीश साहू की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।